एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड का जो परीक्षा परिणाम है वो कब तक जारी हो जाएगा, वैकेता का जो परिणाम आया है उसका थर्ड ग्रेड पर क्या असर पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण बात करेंगे, ध्यान से जो है वो आपको सुनना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको जो है समझ में आ सके और जो भी आपके दिमाग में टेंशन रहती है वो थोड़ी कम हो सके, क्योंकि रिजल्ट आने में जितनी देर होती है बच्चों का उतना ही जो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है और वो यही सोचते रहते हैं पहले रिजल्ट आ जाए उसके बाद जो है वो हम काम करेंगे। क्योंकि बच्चे जो है सोचते हैं हमारा जब नंबर ही आ जाएगा तो हम पढ़ के क्या करेंगे, ये तो सबसे बड़ी गलती होती है। थर्ड ग्रेड का जो टीचर है उसको रिजल्ट आने के बाद भी ऐसा सोचना चाहिए कि सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की जो है वो हमें तैयारी करनी है, हमें इससे भी ज्यादा सोचना है, कम तो नहीं सोचना है, ठीक है। तो थर्ड ग्रेड की जो कट ऑफ वो आप लोग देख रहे हैं, बहुत से कोचिंग वाले जो हैं वो बता रहे हैं, तो इतना तो एसएसटी में बिल्कुल कहा जा सकता है, बिल्कुल सटीक है ये चीज कि 120 तो किसी कोचिंग वाले को भी अगर बिठाते एसएसटी में तो वह भी 120 प्लस क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाता, क्योंकि आपने देखा सिलेबस ही इतना ज्यादा था और उस सिलेबस को करने के लिए टाइम भी चाहिए था ज्यादा। एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा जो है आपकी जो जीके थी उसका पार्ट भी बहुत ज्यादा था, सामान्य ज्ञान भी बहुत ज्यादा दिया हुआ था, सिलेबस इतना ज्यादा था उसको कवर करना ही इतनी जल्दी संभव ही नहीं था, फिर भी बच्चों ने काफी कोशिश की उस सिलेबस को कवर करने की। तो वहां अगर मैं कहूं कि बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो मानी जाएगी अगर बच्चों ने जो है 105 या 110 तक भी पहुंचे हैं एसएसटी में, ठीक है। और 120 प्लस मार्क्स तो बहुत ही रेयर केस में समझिए एक या दो बच्चों के होंगे, किसी कोचिंग वाले की मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वह भी अगर उसको भी बैठाते तो वह भी 120 प्लस जो है वो क्वेश्चन नहीं कर पाता। तो जैसा व्याख्याता परिणाम का जो आया है रिजल्ट उससे इतना तो अंदाजा आपको लग ही गया होगा, क्योंकि जितने पद हैं व्याख्याता में उसके अकॉर्डिंग हाई जानी चाहिए कट ऑफ, लेकिन इतनी नहीं गई है। क्योंकि क्या हुआ है, एक तो बच्चों ने सेकंड ग्रेड के चक्कर में एग्जाम जो है वो दिया ही नहीं, कई बच्चे जो है वो गए ही नहीं एग्जाम देने, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर जो है वह कठिन रहा है, पेपर जो है वो थर्ड ग्रेड का भी हम देखते हैं कठिन रहा है, तो इस वजह से कट ऑफ भी इतनी हाई नहीं गई है। ऊपर से दो गुना बच्चों को बुलाया गया है तो कट ऑफ जो है इतनी हाई नहीं जाएगी, ऐसा ही जो है वो आपको थर्ड ग्रेड में देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के अगर बच्चे हैं और जिनके 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। यहां मैं कट ऑफ नहीं बताऊंगी आप लोगों को कि इतनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट जारी हुआ है तो 6000 बच्चे जो है वो व्याख्याता में है, तो यहाँ थर्ड ग्रेड के 6000 बच्चों को फायदा वैसे ही मिल गया, यानी कि जो कट ऑफ थर्ड ग्रेड की पहले चली जाती अगर रिजल्ट आ जाता तो अब जो है वो डाउन चली गई जैसे ही फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। अब सेकंड ग्रेड के रिजल्ट आएंगे तो और भी ज्यादा डाउन चली जाएगी, तो इसलिए कट ऑफ बताना तो संभव ही नहीं है, लेकिन थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि 90 प्लस मार्क्स यदि जनरल कैटेगरी के बच्चे के हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करें, बिल्कुल तैयार करें, आपका सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता आपको, आपका तो सिलेक्शन है। और कैटेगरी वाइज जो है वो आप खुद ही जैसे ही रिजल्ट आ रहे हैं उनसे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, ये नहीं है कि आप उनको देखकर ही लगा ले कि वहां पर जो है फिजिक्स में 15 मार्क्स जो है वो कम गए हैं ईडब्ल्यूएस के जनरल से तो हमारे भी इतने ही कम जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पर भी डिपेंड करता है और कैंडिडेट की जो संख्या होती है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो है वो माइंड में ये संतुष्टि हो जाएगी आप लोगों के कि हमारे 90 प्लस मार्क्स हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमें जो है डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, ठीक है। और कैटेगरी अगर वाइज अगर बात करें तो मिनिमम अगर जैसे कि एसटी है कैटेगरी की जो सबसे कम जाती है तो 80, ठीक है, या 78 या 80, इतनी तो इतनी जो है वो मिनिमम जा सकती है। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि जिनके 90 प्लस हैं वो तो बिल्कुल श्योर हो जाएं कि आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। अब सिलेक्शन हो जाएगा थर्ड ग्रेड के बच्चों का, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ना बंद करना है, आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए तैयार होना है,
ठीक है, क्योंकि एक बार जो पढ़ाई हो जाती है, अगर आपने बीच में गैप कर दिया, आप जिंदगी भर जो है वो पढ़ने के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ परीक्षा परिणाम जो है वो आपका अप्रैल के एंड तक जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है तैयारी हो रही है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल काम चल रहा है और आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी चीज जो है वो रिजल्ट जो है वो इतना आसान नहीं होता है जैसे आप सोच रहे हैं। कैंडिडेट जो है वो बहुत ज्यादा है थर्ड ग्रेड में, तो रिजल्ट को तैयार करने में टाइम लगता है। आपको तो एक पेज दिखाई देता है जिसमें आपको रोल नंबर दिखते हैं, कट ऑफ दिखती है, उसको तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर गलती हो जाती है तो वापस जो है वो स्टूडेंट ही जो है बुरा कहने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा आपने वेट किया है, थोड़ा सा और वेट करिए, अप्रैल के एंड तक जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। व्याख्याता परिणाम जो है वो आपके धीरे धीरे आ ही रहे हैं। अब आपको ये सोचना है कि सेकेंड ग्रेड जो है वो थर्ड ग्रेड से पहले रिजल्ट आ जाए, ये सोचना है आपको, ताकि जो 6000 पद आपको व्याख्याता में यहां मिल गए हैं थर्ड ग्रेड वाले बच्चों को, ऐसे ही सेकेंड ग्रेड में मिल जाए। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर सिलेक्शन जनरल कैटेगरी का 90 पर हो रहा है तो सेकेंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट पहले आ जाने पर यहां पर ठीक है कट ऑफ जो है वो वैसे ही डाउन चली जाएगी। तो जो 2-3 मार्क्स से 4-5 नंबर से जो है वो रह जाएंगे तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सोचिए कि आपकी जिंदगी जो है वो आपकी संवर जाएगी अगर ऐसा हुआ। तो फोकस जो है वो सबसे ज्यादा, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो है आप लोग किस पर ध्यान दें। आप ध्यान दें कि फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी हो और थर्ड ग्रेड का जो है वो बाद में आए, और उसके लिए जो है आप लोग थोड़ा सा जो है वो आगे आए, और साथ में थर्ड ग्रेड में जो है वो पद भी बढ़ने चाहिए, क्योंकि पद खाली हैं। जितनी पदों की संख्या बताई गई है उससे ज्यादा पद खाली हैं अभी भी, और आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो ये भी उन बच्चों को मिल जाएंगे जिनका नंबर नहीं आ पा रहा है ऐसा वो सोच रहे हैं। अभी जो है 78 जिनके क्वेश्चन सही हुए हैं, 79 सही हुए हैं, किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसका भी नंबर आ जाएगा। अब देखिए, जिनका थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा तो वो लोग सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग जाएं, बिल्कुल नहीं सोचना है, पढ़ाई जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है। और जिनको लग रहा है उनका पेपर जो है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है, और जिन्होंने केवल फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था, जिनके रिजल्ट आउट हो चुके, उसने उनका नंबर नहीं आ पाया है, तो वो लोग तैयारी में जुड़ जाएं। सबसे पहली बात, हम क्या पढ़ें? मैंने आपको बताया, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, किसी का भी नहीं आता है, तब तक आपको राजस्थान जीके एनसीईआरटी बुक पर ही फोकस करना है। इसके अलावा किसी भी चीज पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप एनसीईआरटी और राजस्थान जीके को कर लेते हैं 80% आपका सिलेबस हो जाता है कवर। ठीक है, ऐसा ही हमेशा से मैं कहती आई हूं, जिन बच्चों ने ध्यान दिया है, जिन बच्चों ने चैनल के साथ जो है वो लगातार तैयारी की है, क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, जितना भी पढ़ाती हूँ, बहुत ही जो है वो इसमें मेहनत लगती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को नोट्स के द्वारा भी पढ़ाया है, बच्चों ने जो कोर्स लिए थे उसमें आपने खुद ने देखा कि जो है हर एक चीज जो है वो आपको स्पष्ट तरीके से मैंने आपको समझाई, और उसमें आपको जो नोट्स जो पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को मिले, कितना आसान हो गया आप लोगों का तैयारी करना। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, टाइम को जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपने अकॉर्डिंग ही काम करती है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर थोड़ा सा दबाव तो बना ही सकते हैं। तो जिन बच्चों का रिजल्ट जो है उन लोगों ने देख लिया है फर्स्ट ग्रेड में व्याख्याता में, और जिनका नंबर आ गया है, बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आ पाया है उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आगे आप लोगों के लिए 1 लाख तक जो है वो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो तैयारी जो है वो आप अभी से करेंगे तभी आपका नंबर जो है वो नेक्स्ट वैकेंसी में आ पाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है उसका वेट मत करें, नोटिफिकेशन तो आ जाएगा तुरंत, फॉर्म आप भर दोगे, तैयारी तो आपको ही करनी है। ठीक है, और खुद की मदद तो आपको ही करनी होगी, तो जो भी कमियां हैं उनको आप दूर करें और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं। ठीक है, और देखिए, मैं बार बार इस चीज को बोलती हूं, एनसीईआरटी और राजस्थान जीके जो स्कूल में चल रही हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे प्लीज ध्यान दें, किसी भी गाइड का सहारा ना लें।
तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।